समय की एक जवान लड़का पर जवान लड़की को देख लेता है तो कवि चौधरी मेहर सिंह ने दोनों की जवानी के बारे में जवानी के धोखे लगे हुए वो लड़का उस जवान लड़की को बात के द्वारा क्या कहता है भला। ए आधी उमरी बाप के खोदी ये तू के जिंदगानी देरी ए बिन बलम तेरी उम्र कटे ना ये या मर्जी से मेरी ये आजी उम्र Oh,
पूरे पाते ती हर के मा पड़ी रहे से गुण ओगुण न छाते पक्की बनाया उम्र कटे ना तू क्यों शादी न नाते तू चुप कर दिल में डाटे से छठी से तेरी का चक्कर रहने दो कति जानते मर ग्यारे और सपना उतने राड़ा रे मेरी रेली माटी कर क्या रे आज राज का चक्कर रहने दो मैं कति जानते सपने आली बात सुनन का कर दो न तमटाड़ा सपने के मैं मन दिखे थायो धोले के मैं काला सपना बेरी मारे क्या मन जू खेती न पारा जीवन चका छोटा कोरा रोपया मोटा चारा
सोली करवट सोया था मैं, जड़ में होका धरी के आधी रात में ईसा दिखा जनू हिंदाई चाटनी भर के बैठ के धोरे लगी जमावन थोड़ी थोड़ी डर के हो बैठे होके घूट मार दे बोली सारा कर के हो खड़ी थी सड़ी में धन धन उसी मालक ने जीने मोती पाया लड़े में मीठी मीठी बोली इसी दनु कोयल बोले तड़े में आता जाता सांस दिखता मन भूरे भूरे धड़े में सपना हुए जंजाल सपने आरी बढ़ती कोना दिखे अपना कार मानस बेरन के बन जा भाई यो सपने का जा सपने आरी मिल जाते मैं ओ जमालो माल सपने आरी Yeah.
Yeah.
सूजी ते श्यामी बैठी थाली में रोटी धरी के गाल दिया की पूरा साड़ी है आगे आगे फेरी के सैद सैद में लग गया खावन रे थोड़ा थोड़ा डरी के सैद सैद में मेरी रजाई दूर बगाती मेरी रजाई दूर
ना स्याही इने ना पानी भूर है पिचली के सबर पचा स्याही इथी नूरा की नूर इसी कटिली इगोरी देखी वजो बन में भरपूर दवाई
बेरा ना कट लेवन आवे ओ मेरी ननद चक्का बाई बोरी ने फोड़निया कटी फोड़ेगा इस
मट्टी की हंडी कोई ने सोनिया आ जाते मैं चमकू दूनी दूनी सू चिकना चिकना दांत मेरा में असली की बनूनी सू आम सरोली ये पक्की दाल की मिट्टी में अलूनी सू आम सरोली आया करके रगनिया के बाद
सने छोरे रयार बास थे वना बैठन दिए थे आशी और मसकरी छुटगी छुटके उड़ाने थे जो दिन थे मेरे इब खेलन के जड़े बरेली कहने और जो दिन थे मेरे पछताना ना था पहले मते मन जान नहीं थी मैं इतना स्याना ना था क्या करवाए पछे लोगो घना पछताना ना था आपके सामने किस्सा पेश किया जा रहा है अंजना का जगदीश कैसेट की तरफ से। कहा से कि जिस वक्त वे अंजना की सखी सहेली इनकार करती है उससे कि बहना तेरे लायक ये पति नहीं तू इसके साथ शादी मत करवा, लेकिन वह अंजना नहीं मानती तो उसकी सखी सहेली उसको समझाती है अग बहना ले तुम्हारी एक बात सुनिए। तो उसकी सखी सहेलिया ने अंजना से क्या कहा भला, कहे सत्तर सोतरे और बतेरे तो कित छोरिया के तोड़े मैं और अच्छी को ना लागी अंजना
सखी सहेली थी जो वसंत माला
अग बहना तेरे काबिलिये पति तो है नहीं और मारी नहीं मानती तो तू दुख भोगेगी। कैसे आराम में लगा तने इसकी गल नहीं सुनने मेरे संग की मेरे संग की केला जाके गच्छड़ जाएगी जाता मैं शरप बरोटा कोड़े टूट जा तो कोस की बाटा मैं हो जावारी जवार ने अड़खाल तार ले साटा मैं और शरप बरोटा कोड़े टूट जा तो कोस की बाटा मैं और मैं साबरा छिट में छिट दिखाई दिया सपने में कैसा सपना था क्या कह रहा था अरे मेरी तबीयत डटी डटती बोलिया बड़ी दफत मारे और सपने में गई बोली दिखाई अंजना के बारे में मेरी तबीयत डटी डटती को ना बड़ी दफत मारे रात के सपने में एक देखी सूरत भोरी गुठा पकड़े जगाउन लगी आँख देर में ढोली बते साजन बैठा होले ये बहुत गणी हद होली और टप टप असू पड़न ते मंत्री अन्न पानी न खाऊंगा
की प्यारी ना भेटी त चीड़ा भी के पाऊंगा जनो किनो बड़की तमंतरी उलटा भी न आऊंगा मेरे धर्मराज का प्यासी लगे नाजुक दिल पे चोट लागेगी मेरे नाजुक दिल पे चोट लागेगी ऐसा सपना आया नो की नो पण की तमन तेरी घर बिगड़े बसा बसाया इस दुनिया में आने के मन काला मुंह करवाया किसे का दोष नहीं से धन ईश्वर तेरी माया पर अपनी नाड़ी कटाड़ी दिखा अपनी नाड़ी कटाड़ी दिखा खुद ब्याही के अरे परमात्मा से दुआ मांगता है कि हे परमात्मा अब हमारा किसे कारण मेल मिलाना चाहिए क्योंकि मैं अपनी माफी मांगता हूं इस चीज के बारे में कि अंजना का कोई खोट नहीं था जितनी खता करी है उतनी मना करी है इस चीज के बारे में और कवि ने क्या प्रमाण दिखा चौथी कली में भला कैसे मेरे संग बेई मेरे संग बेई मने न दिया मार कर्म मैं होड़ा और किसे का आतोस नहीं मन बाग जान का फोड़ा अंजना ने दी ए आस छोड़ दी ही प्रेम जान का तोड़ा और बड़ी मुश्किल ते सती सती का राम मिलावे जोड़ा और अंजना कैसी और अंजना कैसी सती लुगाई ही कोना जग सारे भाग दूसरा दूसरी कैसेट में सुनिए और जगदीश कैसेट खरीदिए ओरिजिनल जगदीश कैसेट खरीदिए ओरिजिनल
समय अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ ने भी ये पता लग गया था कि अंजना ने तो अपने खानदान के दाग लगा दिया, क्योंकि उसकी सास ने उसके पास पता कर दिया था, चिट्ठी घेर दी थी वहां। अब वहां से उसकी माँ भी ये कहती है, बहना मैं बेटी मैं तेरे को यहां नहीं रहने दूंगी, यहां से तू जा सकती है। अब वहां से चलने की तैयारी करती है तो जो वह बसंत माला उनके दासी रहा करती वहां को नहीं मिल जाती है, उसके सामने अपना दुख रोमती है और क्या कहा एक बात के द्वारा अंजना ने बोला, सुनिए बहना
बसंत माला ने बहुत कही कि बहना मैं तेरे से इनकार करूं थी कि तेरे काबिलियत पति नहीं है, क्योंकि तू पढ़ी लिखी थी किसी राजकौर के साथ शादी करवाती, लेकिन हमारी बात नहीं मानी तेरे को। तो क्या कहा अंजना, अपना दुख रोमती है कैसे भला। Oh!
झूठी की मेरी बात झूठी की पर सब कुड़ बेते दखा ली ना पेश चली गुठी की जिंदगी हर ते टूट गई ना पेश चले बुटी की झूठे वो डामे नम्मा भी ना
सुख देखा और के सुख देखा शादी करके जब तैया ब्याह कटे 12 साल मन ये मैल दवा की कौन से जन्म का दुख दे दिया रात अंधेरिया और बासी खुशी टुकड़े खादन काटे काग उड़ा और बिन पुत्र ना यो रंग खले बिन पुत्र ना रंग खले इन मला के टूटा मैं बरना कोई हमती मन सहारा तेरा और डर लग गया सात वीर की जंगल घोर अंधेरा हो कर लाखी पड़ी धरण में दीक्षा को नजेरा मत उठ के चली गुठी रही पट्टा को नेरा तेरा ना गीत आन गिरी तेरा ना गीत आन गिरी सासी कांदरे उठा मैं मावे अड़के कर्म अगाड़ी
और खेती करनिया भरती हो गया जाके देखी पाई लाने का कोलू पोका पड़ा बजा करती दाड़ी और मेरे संगतन हल भी जोड़ा काटे ही सोर जाड़ी ये चोग चोग बाड़ी हाथ पाटी के चोग चोग बाड़ी हाथ पाटी के इन पन सटी दोड़ा में गम्मा बिना कहे रात अंधेरी गिरती पड़ती तू तयागी साल कुटी पर रात बेटी की डाला कर ख्याल कुटी पे रात अंधेरी पड़ती साल कुटी बेटी की डाला ख्याल कुटी रात अंधेरी पड़ती आगी साल कुटी बेटी की डाला ख्याल कुटी मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं होगा कि मैं तेरी यहाँ गूंद पंजीरी घाल दूंगा मैं बड़खंड में अपने पत्ते खा के गुजारा करता हूँ महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहता कैसे भला क्या कहा तू ते चाट मसाले मसाले बचन मंगे जंगल में फड़पाते पर तुनू बक्ता पेट भरण कंद मूल मिल जाते और मन मारा सा इंद्री जीता ये साधु के नाते
पर हम योगी अब दूत महात्मा ईश्वर का गुण गाते। ईश्वर चाव भला तेरा कदे सामण भगण के गीता की कदे सामण भगण के गीता की आड़ लावे ताल कुटी पे रात रे बेटी की ढाला घर पे ख्याल कुटी पे रात अंधेरी जरती पड़ती वागी ताल कुटी पे रात रे बेटी की ढाला घर पे ख्याल कुटी पे खूब शौक से रह सकती है, लेकिन मेरे पास हर किस्म का इंसान आ सकता है, हर क्षम का जानवर आ सकता है। किसी से ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि वनखंड का रहना है मेरा और तुम्हारे घर की याद आवत है। खूब शौक से चली जाइए, कोई इनकार नहीं करेगा तेरे को। कैसे बोला
पर पारा मैं छोर मच गया फुकता सीता करता है कि हमारा कच्ची घर बस सही कच्ची कमारी साल में पढ़ चेक के बढ़िया किया कर तन्ने यो अपना उजाड़ दिया कैसे भला दासी दा
का हो धन कोठे के दरिया चले और बेच के जन के खान लागेगी पर क्या बुरका भरा करे ये सौ सौ खोटी भरे अपे में ये छत्ती पपा भरा करे बार की बात है हमारे स्वर्गीय चौधरी मेहर सिंह सिंगापुर में अपनी फौज में ड्यूटी कर रहे थे। उसको रात को एक ख्वाब दिखाई देता है सुबह अपने साथियों से वो रात का रगड़ा बताने लग गया कि कुछ का भला ए रखी सपने तेरा जकर करूं मेरा को न्यातन मैं बाकी भाई सपने में ससुराल चला गया बांध कसा पखा की सपने तेरा जकर करूं मेरा को न्यातन मैं बाकी तेरा सपने भाई दिन छप्पन में हो रहा था मन दिखे दीवे तेरे गाम के गोरे पहुंच गया मैं बुझण लग्या रे तेरे आगे सीने साला मिल गया उन
ना बाज के करी नमस्ते रे भाई घर के बागने पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते रे काम के साड़ी गोबर ठान लागरी एक साड़ी गोबर ठान लागरी वो तो अदा बनाई ताकि ये सपने तेरा चक्कर करूं मेरा कोना तन मैं पाकी मेरा बेस्तर लाया कर दिया था तेरा जूती का देके बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा रे इंडी दारी गिलास दूध का भाइयो मोटा रुप गया सारा रे भाई एक नजर पड़ी खाक पड़िया तवाला रे ऊर परी पे एक नजर पड़ी मैं खाक पड़िया तवाला रे भाई दूध में मीठा कम लाग्या रे भाई दूध में मीठा कम लाग्या मन खान की मारी सपने तेरा चक्कर करूं तेरा कोना तन मैं पाकी तेरा सपने मैं संसार टकरेगा पान का सांपा खाकी ये सपने तेरा चक्कर करूं तेरा कोना तन मैं पाकी खतरे आया बोलावन एक नाई तावल कर करे सासू जी ते श्यामी बच्ची थाली में रोटी दर करे गाल दिया गी मीठा साली ने वो तो बोली उसरे करे भाई सहज सहज में खावन लग गया थोड़ा थोड़ा डर करे सेंग सेंग में खावन लग गया थोड़ा थोड़ा डर करे ये रखे के पत्ते झाक रही थी ये रखे के पत्ते झाक रही थी मेवाई बतल करना चाहिए सपने तेरा चक्कर करूं मेरे कोने तन मैं बाकी तेरे सपने मैं संसार डगर गया बाद कैसा बाकी ये सपने तेरा चक्कर करूं मेरे कोने तन मैं छोटी साड़ी तेरा छोटी साड़ी गोरे कलकड़ी वत करेगी हेरा फेरी रे
तमतिला मेरा करगी कितनी गजब बचे रह भाई देखे नू न पढ़ू ते कुआ दिखे नू न पढ़ू ते जेरी रह भाई नशे कहने वा नू बोली दिलदार बनूंगी तेरी रह नशे कहने मेरे संग में पड़े काटनी मेरे संग में पड़े काटनी जत खड़ी सख्यती पटी ये सपने तेरा चक करूं मेरे को नम तो भाई एक बार की बात है, कई लड़कियां आपस में अपनी प्रेम की बात बतलान लाग रही। उन मदा एक कहन लागी कि बेबे तम और भगत और कम बात सोचे जाओ हो, तमने कदे नु भी सोचा कि मन किसा पति में लाया किसा नहीं। तो उन मदा एक कहन लागी बे जब मेरा फौजी के लैंड हो जाए ना तो जी सा जाए। अपने दिल की बात अपनी सहेलियों से बताती है और क्या कुछ कहती है भला। ए बारह महीने बरत करूं भगवान सुन जय मेरी जी हो भरतार मेरा मैं हाथ जोड़ के कैरी बारह महीने व्रत करूं भगवान सुने मेरा मत साथ घूम के आऊंगी बंबई और मद्रास केरला गुजरात घूम के आऊंगी ए दिल्ली का जो किला आगरा और ताज घूम के आऊंगी जम्मू जाके वैष्णो के चरणा में शीश झुका के आऊंगी जड़ घर पे खेत खेत पे घर हे घर पे खेत खेत पे घर हे मेरे मन की मन में रे जी हो पर तार मेरा मैं हाथ जोड़ के अलग हो सैल गाभरू
पावेगा दुनिया भर की चीज बनी ओ मेरी खातिर लावेगा घटता बढ़ता प्यार रहे वो कदेसी छुट्टी आवेगा जितनी चादर मेल ओदन उतने पैर फलावेगा देखे टेम आलिया साथ मिलन का देखे मैं आलिया साथ मिलन का मैं इस चिंता में रह की बात है। एक फौजी भाई 10 दिन की कैजुअली छुट्टी आया और कड़ा कई ठंड पड़े तड़के पाला जमन लाग गया इतनी ठंड थी दिन लाग रेसे छुट्टी पूरी होगी तो उस आखिर रात में उसके घरवाली
छोमा होगा 11 बजे तक नहीं आई, 11:30-12 बजे आई। तो फौजी कहने लगा भगवान ले मन का तिलक जाना पड़ेगा, अपना काम ठीक ठाक करिए। तो उसकी पूरी बात नहीं सुनी, उसके ओठा हुआ हाथ रख क्या कुछ कहने लगी, बोला देखे आधी रात शकरत ढलगी, मैं बैठी ते मैं बता दूंगी, मत न्याले पति नाम जान का मैं सूता गाम जगा दूंगी, आधी रात शकरत ढलगी मैं बैठी ते बता दूंगी, मत नाले पति नाम जान का मैं सूता गाम सदा जूनी, आधी रात से कर पैदल की मैं बैठी ते जब बता दूंगी आधी रात।
दुनिया वो सारी दुनिया मौज करे मेरे कर्मा मरोना से फौज तेरी ना छुट्टी देती सूखा जो बन कोना से ही थी बेदर्दी से न्यू ये बोझा ढोना से चलता फिरता घर आवे जनू दो तारीखा गोना से देखे के सोवन मैं ओ के सोवन मैं सोना से मत जन और रात बधाए दूनी आधी रात से करत धड़की मैं की तेरे तार दूनी वो मत ना ले पति नाम दार का मैं सुल्तान दाम दसा दूनी आधी रात से करत गया विद्य मन बनानी
फोजते त्री फोजते मैं दुख पाली मेरा सच खोलाना से कुछ दिन पाछे छुट्टी आया के कलकत्ते जाना से कलकत्ते ते चेची आके कलकत्ते ते दिल्ली आके अपना कुर चलाना से कलकत्ते ते दिल्ली आके अपना कुर चलाना से दिल्ली ते जम्मू की बदली कर दी थी वर्कशॉप में ले जाने की लिख रखी थी नाटी अपने आप में पल पल मुश्किल हो रही थी इतनी थी बेताब में पल पल मुश्किल हो रही थी मैं हाँ हाँ चमक मेरे मन का मुन गया मन दरी कढ़ाई हलवे की बेबे जल भी चुन गया पति मेरा है तेरा डूब गया तो भाई इसी बात बन गई फौजी कोर्स पे पहुंच गया छह महीने फालतू और लाग गए। तो उस फौजी भी उसके पास चिट्ठी लिखती है क्या कुछ करने लगी बोला ओ परदेसी लगा साल दूसरा तू इसी के गुटी लावेगा सती से कर लिए बरत मने तू ओ कदसी छुट्टी आवेगा परदेसी लग्या साल दूसरा किसी के गुटी लावेगा मन सती से कर लिए बरत मने तू ओ कदसी छुट्टी आवेगा तू चिट्ठी गिर मिलता ना अवकाश मने थारे गांव के खेत दूर से लाना पड़ता घास मने छाती के मैं दर्द कसूता ना ठीक आवता सांस मने मारे सासू कह बदमाश माने नंद कसूती मारे सासू कह बदमाश माने देख मेरे कहे की माने कोना मेरी इसी के गुट्टी लावेगा परदेसी लग्या साल दूसरा के बूटी लावेगा तू छत्ती से कर लिए व्रत मन देख कदसी छुट्टी लावेगा घंटे बात देखती
मैं आने की बार तार तेरी उन साखुटी मेरे मैं पाया के ना सुम नार तेरी चिट्ठी में दो आंख लिखे फिर बढ़ती जा रफ्तार तेरी देखे नोनी मैं चले दस दिन आवे कौन काढ़ ले दार तेरी नोनी ने मैं चले कौन काढ़ ले दार तेरी यहाँ जिंदगी से बेकार मेरी तू ओ कदसी घुटी परदेसी लगा साल दूसरा किसी के बूटी लावेगा चढ़े छत्तीस कर लिए वर्तमान दो कदसी छुट्टी आवेगा तेरे बिनानू मन खान में आती हो इतना ते दस्तूर आई ना बिल्कुल हाथ लगाती हो दुनिया की बहू सिंगरी हंद मैं टेक्की तक ना लाती हो जगे पर तो आया था ना पहरे बूट बेलाती हो और कहले जो आया था ना पहरे बूट बेलाती हो जड़े छुट्टी लेके जल्दी आ जा इस चीज अनूठी पावेगा परदेसी लग साल दूसरा समझ के जल्दी छुट्टी आइए तू देखे देसी घी का बना चूरमा बैठ पलंग पे खाइए तू खारा पड़ोसी भी जैसे किसान बांध के जाइए तू देखे करवा आरी से नेड़े इब के गंगा जी नहीं तू करवा चोट आरी से नेड़े इब के जी नहीं तू फलेरा में बता जाइए तू ना डूटी पे पावेगा परदेसी लगा साल दूसरा सिंह जैसे वीरों ने स्वतंत्र कराया और इसी तरह से पुरानी कहानी याद आ जाती है भगत सिंह की तो फांसी हो ही जाती है और इससे क्रांतिकारी और भी तेज हो गई। इसी तरह याद आते हो गुजरे हुए दिन
जो आजादी की जंग के थे, और एक रागनी द्वारा कवि ने क्या दर्शाया भला। भारत देश हमारे की आज जग में ऊंची शान है, जग में ऊंची शान है। नर्मस्तक हो उन वीरों को जिनको ये बलिदान है। सन 47 से पहले यो देश मारा गुलाम था, आजादी का बिगुल बजा वो वीर भगत सिंह याद था। आजादी ने लावेंगे यो काम मारा आसान है। महात्मा गांधी जिन्होंने देश के सब दुश्मन को हिला दिया, सब दुश्मन को हिला दिया। अहिंसा का नारा दे कहने देश संकट टला दिया, जला दिया। ये सबसे पहले मिला दिया, ये काम नहीं आसान है, आसान है। भारत देश हमारे की आज जग में ऊंची शान है, शान है। महाराणा प्रताप शिवाजी झांसी वाली रानी ने, झांसी वाली रानी ने चांदर शिखर तलक गोख लेकी कर लो याद कहानी ने। ऊपरी
आज भारत में सारे काम की अपने अवसरवाद की भारत काफी आग बढ़ेगा तरक्की जनराज की देश की खतरी देश की खातिर जगन्नाथ किनो हर दम हाजर ज्ञान है बलिदान है भारत देश बलिदान हुए सब देश के ऊपरी भाई किया देश से प्यार अरे धर्म के ऊपरी अटल रहे नो खपगे कई परिवार बलिदान हुए देश के ऊपर किया देश से प्यार भाई एक समय का जकर करूं भाई अंग्रेज गणे अत्याचारी टायर पपी गोरे ननू जुलम करे थे बड़े भारी हर जनता को सताया बहुत भाई दुख पाएगी पर जा सारी अरे भगत सिंह जैसे हसी टूटे थे जब रोए थे नर नारी भगत सिंह जैसे अत्याचारी भाई अत्याचारी
खत्म करना सेनू मन में लगे वे करण बेचारी गोरिया की हकूमत खचरी खूब किया था पर सारी बच्चे बुढ़े नौजवान ने लड़ने ने सब हो गए रे तैयारी सारे सखी लकड़ के चले लेके हथा मैं हथियार सारे सखी समझ कने मो भागे भागे अंग्रेज फिर दे सारे कनु पड़ी रीती तो भगत सिंह जैसे वीरान भाई अंग्रेज दिए धरती ते को घर बार कुटुम सब त्याग दिया भाई क्या ये मना रहा मो घर बार सबको बड़ा साथ दिया भाई ऊंच नीच और जात पातियो धरती से सब हाथ दिया देखे अन्यायों का करया मुकाबला पापियों का ना साथ किया फिर धन धन से उस माता ने यो तेरे इन पुत्रों का साथ दिया धन धन बलिदान हुए
करम गति नाय चंदने गड़वे डोए मदनावत ने जाई ये ठोकर लगी गड़ा फूट गया लाते कमर मर उसके Yeah.
ये प्रोग्राम जगदीश कैसेट की ओर से पेश किया गया। जब भी आप हरियाणा कंपटीशन की कैसे आला सांग और मुकाबला हरियाणा संगीत की कैसेट खरीदें तो आपको सही मनोरंजन आपके जैसी कैसेट दे सकती है। जैसी कैसेट जगदीश कैसेट एकमात्र स्थान नरेला। जब भी आप सांग की रागनी कैसे आला और अन्य कंपटीशन वगैरह की रागनियों के जितने भी सुनने वाले इच्छुक उनके सब के लिए जय श्री कैसर, जय श्री कैसर। धन्यवाद।